नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं लेकर के हाजिर हूं दैनिक हिंदी द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 21 जनवरी 2017। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहली खबर जल्लीकट्टू संबंधित है और जल्लीकट्टू के संबंध में हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दो नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं। तो वो जो एक दो नए मुद्दे हैं तो उनके बारे में आपसे आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा जल्लीकट्टू पे और जो कोई भी जानकारी आएगी जानने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा चुका है। तो दोस्तों, खबर यह है कि ऑर्डिनेंस टू क्लियर पाथ फॉर होल्डिंग जल्लीकट्टू, यानी जल्लीकट्टू आयोजित करने के लिए अध्यादेश का रास्ता साफ। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि मुकुल रोहतगी ने ये कहा था कि जो खेल और मनोरंजन है तो वो तो राज्य सूची का विषय है, इसलिए उस पर राज्य अपने से कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों, कल जो बात निकल के सामने नहीं आई थी वो आज आई है कि अगर खेल और मनोरंजन के आधार पर भी राज्य कानून बना देता है तो दोस्तों देश की जो संविधान की जो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में अभी मैंने जाकर के देखा, अखबार में तो नहीं दिया हुआ था, तो मैंने संविधान में जाकर के देखा, वहाँ पे जो उसका 17वां एंट्री है उसमें लिखा हुआ है पशु क्रूरता से संबंधित विषय। तो पशु क्रूरता से संबंधित विषय दोनों दोस्तों होते हैं कहाँ पर, कॉन्करेंट लिस्ट यानी संवर्ती सूची में। और जब कोई विषय संवर्ती सूची में होता है और उस पर राज्य का भी कानून हो और केंद्र का भी कानून हो, तो सदैव वही कानून माना जाता है जो कि केंद्र का कानून होता है। अर्थात अगर किसी एक ही मुद्दे पर दोनों कानून बना दें और दोनों कानूनों में ओवरलैपिंग हो यानी एक ही जैसे मुद्दे पर विवाद हो जाए, तो विवाद में कौन जीतता है, जो केंद्र का कानून होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पशु क्रूरता अधिनियम जो 1960 में बना था तो केंद्र का कानून था। तो अगर यहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस ला भी देती है, कोई अध्यादेश ला भी देती है राज्य सरकार और आगे चल के उसको कानून बना भी देती है, तो समवर्ती सूची का विषय होने के कारण पशु क्रूरता अधिनियम 1960 ज़्यादा हावी होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे चल के पशु क्रूरता अधिनियम 1960 को एमेंड यानी कि संशोधित करना ही करना पड़ेगा, और वो कौन करेगा, वो करेगी केंद्र सरकार। तो दोस्तों, यही था कि इसके लिए पहले उन्होंने देश के गृह मंत्रालय को अपने ऑर्डिनेंस का, अपने अध्यादेश का मसौदा भेजा और कहा कि आप कृपया करके इसको पास कर दीजिए, यानी कि आप इसको स्वीकृति दे दीजिए। पास नहीं किया जाता, उसको कैबिनेट के पास भेजा जाता है, केंद्र सरकार के मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के पास। तो गृह मंत्रालय क्या करता है कि उसको पास कर देता है, यानी कि वो कहता है कि हम इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करेंगे। अगर वो आपत्ति जाहिर करना चाहे तो कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर कोई राज्य कोई भी कानून बना ले, चाहे राज्य सूची का चाहे समवर्ती सूची का, अगर केंद्र चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस कानून को स्वीकृति नहीं दे करके उसको कहाँ भेज देता है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास वो सीधे नहीं पहुँचता है विधेयक, वो जाता है गृह मंत्रालय के पास और गृह मंत्रालय उस पर विचार विमर्श करके फिर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वो उस पर अपनी स्वीकृति दें या ना दें। तो कुल मिला करके वो कानून अंतिम रूप से अनुच्छेद 200 के अनुसार कहाँ पहुँचता है, देश के गृह मंत्रालय के पास। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये कानून दो अनुच्छेद 200 के तहत गृह मंत्रालय के पास पहुँच जाए। तो हुआ ये था कि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार कोई अड़ंगा ना लगाए, इससे बेहतर है कि आप पहले उनसे कोई स्वीकृति ले लो और उसके बाद अपना एक अध्यादेश लाओ। तो केंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी है तमिलनाडु की सरकार को। तो तमिलनाडु की सरकार ने अभी, मैं जो शाम को आज एक खबर देख रहा था जो कि छपी नहीं हुई यहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश वहाँ के जो राज्यपाल हैं विद्यासागर राव जी, उन्होंने उस पर स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पे जो बात हुई थी, एक ये महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू पुट वर्डिक्ट ऑन होल्ड फॉर अ वीक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, उस अधिसूचना में 7 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जल्लीकट्टू को हम लीगल बनाते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रावधान किए थे कि जल्लीकट्टू जैसे कि लीगल हो जाए, यानी कि कानूनी उसको मान्यता मिल जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया था, उस नोटिफिकेशन, उस अधिसूचना को भी बैन कर दिया था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो अभी क्या हुआ है कि मुकुल रोहतगी जी ने कहा है, यानी कि केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि आप कृपा करके जो कुछ परिस्थितियां हैं उनके कारण सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने उस बैन को उठा लीजिए, ताकि वहां पे जल्लीकट्टू एक बार हो जाए, और वहां पे अगर एक बार हो गया तो वहाँ की जनता का जो आक्रोश है वो शांत हो जाएगा, फिर हम आपस में बातचीत करके, यानी कि जो कोई भी संवैधानिक या कानूनी पहलू हैं तो हम उन पे दलील दे करके या कुछ भी करके आगे चल के उस मामले को निपटाएंगे। लेकिन अभी कम से कम तमिलनाडु में जो आंदोलन हो रहा है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं फोटो में, तो उस आंदोलन को समाप्त किया जाए। कुछ शब्द हैं, मतलब बता देता हूँ दोस्तों। इम्पस, इम्पस IMPASS यहाँ पर लिखा हुआ है। इम्पस का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता जो आगे चल के बंद हो जाए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर ऐसा अवरोध उत्पन्न हो कि कोई रास्ता ना दिखाई दे, उसे इम्पस कहते हैं। और MST एमिस्ट का मतलब होता है के दौरान, के बीच में या बीच में। तो यही उनका कहना था कि
कि गवर्नमेंट रिज्यूम टॉक्स टू रिजॉल्व देयर इम्पस एमेस्ट पब्लिक वॉलीटिलिटी। तो पब्लिक वॉलीटिलिटी का मतलब होता है कि जो जनाक्रोश होता है, यानी कि वॉलीटिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसमें अचानक से भड़क उठने की प्रवृत्ति हो तो उसे वॉलीटिलिटी बोलते हैं। अगली खबर यह है कि इट विल बी अमेरिका फर्स्ट सेज ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी जो पॉलिसी नीतियाँ होंगी वो अमेरिका फर्स्ट यानी सबसे पहले अमेरिका उसके आधार पे होंगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि द प्रेसिडेंट सेड ही वाज इशूइंग अ न्यू डिक्री टू बी हर्ड इन एवरी फॉरेन कैपिटल। उन्होंने कहा कि जो एक आदेश दूंगा मैं तो उसे सारी की सारी दुनिया की हर राजधानी में सुना जाएगा, यानी कि अमेरिका ताकतवर देश है तो वैसे भी वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं सभी सुनते हैं। दैट एवरी डिसीजन ऑन ट्रेड इमिग्रेशन एंड फॉरेन पॉलिसी वुड बी जस्ट ओनली अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल ऑफ अमेरिका फर्स्ट। यानी कि उनकी सारी नीतियाँ चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे आप्रवासन से संबंधित हो, चाहे विदेश नीति से संबंधित हो, उन सब में जो सबसे पहला सिद्धांत उपयोग किया जाएगा वो होगा अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे जो बाद में तब से आपको बता रहा हूँ तकरीबन 5-7 दिनों से वो आज फिर से हुई है, सेंटर अलाउज गर्ल एक्सेस टू लाइफ सेविंग ड्रग, यानी कि जो बेडाक्विलिन के संबंध में आपको बताता जा रहा हूँ। तो अब केंद्र सरकार ने वो जो बच्ची है जिसको एक्सडीआर टीबी हो गया है तो उसको ये कहा है कि अब उसे बेडाक्विलिन दवाई दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों है क्या कि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ऐसा होता है कि बेडाक्विलिन जो दवाई है तो बनती कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में बनती है। अब हम क्या करते हैं कि उसे वहाँ से मंगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत का जो ड्रग कंट्रोलर होता है तो जब तक उसकी अनुमति नहीं होती है उसको भारत में कोई नहीं मंगा सकता है, ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपनी, कोई नहीं मंगा सकता। यही वजह है कि अभी तक भारत सरकार की अनुमति मिल नहीं रही थी तो उस दवा को मंगाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब चूंकि भारत सरकार ने अनुमति दे दी है तो जो भारत के ड्रग कंट्रोलर हैं तो वो अब उसे एक पत्र लिखेंगे और बहुत सारे कानूनी उसमें मतलब पचड़े होते हैं, फिर जा करके एक लंबे वक्त के बाद जब पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब जा करके फिर वहाँ से क्या होता है उसको स्वीकृति मिलती है और दवा का आयात हो पाता है। महत्वपूर्ण जानने लायक बात क्या है कि NITRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, तो ये क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐसा संस्थान है कि जो कि देश में टीबी और श्वास संबंधी बीमारियों का एक अध्ययन केंद्र है, और जब भी कोई ऐसी बीमारी फैलती है तो सरकार सबसे पहले इसी को भेजती है कि उसका अध्ययन कीजिए। तो टीबी के संबंध में भी यही होता है दोस्तों कि जो ड्रग कंट्रोलर होता है तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा केस आया जिसमें कोई व्यक्ति बेडाक्विलिन की मांग कर रहा है तो वो मामला इनको दे दिया जाता है यानी NITRD को दे दिया जाता है कि आप अध्ययन कीजिए कि क्या इस व्यक्ति को वाकई में इसकी ज़रूरत है और कहीं इसको ये दवा देने से आगे चल के कोई समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। तो जब NITRD उस बात को तय कर देता है तभी जा करके उस व्यक्ति को वो दवा देने की संस्तुति करता है ड्रग कंट्रोलर। अगली खबर जो है तो खबर तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया है, उसका नाम है EPCA यानी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA। तो दोस्तों EPCA क्या है तो ये आप ज़रूर देखिएगा और वक्त मिलेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि EPCA क्या है। और जो ऊपर लिखा हुआ है कि CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसके बारे में तो मैं 100 बार बता चुका हूँ आपको कि इसको पढ़ के रखिएगा, ये आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है EPCA क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार नहीं दिखती हैं यही ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज्ड अंडर RTI एक्ट, यानी कि RTI अधिनियम के तहत हर खबर को, हर सूचना को रिलीज़ यानी डिस्क्लोज अर्थात नहीं खोला जा सकता। तो डिस्क्लोज करने का मतलब होता है उस राज को जाहिर करना जो कि अभी तक छुपा हुआ था, यानी उस सूचना को देना जो कि अभी तक नहीं दी गई थी। तो दोस्तों ऐसा दरअसल पे कोई RTI यानी कि केंद्रीय CIC ने नहीं कहा है, CIC मतलब कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, उसने नहीं कहा है बल्कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक ऐसी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ को इस तरीके से RTI के दायरे में नहीं लाया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो, कारण उन्होंने क्या बताया कि नॉट ऑल कैबिनेट डिसीजन फॉर इंस्टेंस कैन बी डिस्क्लोज्ड फॉर टू द पब्लिक बिफोर देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बहुत सारे कैबिनेट के निर्णय उनको लागू किए जाने से पहले डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, यानी कि उनको उनके बारे में बताया नहीं जा सकता। इफ़ रिवील बिफोर हैंड सम मेजर्स माइट बी कम इनफेक्टिव, लेकिन अगर उन्हें समय से पहले खोल दिया गया, बता दिया गया तो बहुत सारे उपाय जो हैं वो निरर्थक साबित हो जाएंगे, निष्फल साबित हो जाएंगे, तो ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों जो इस तरीके के छोटे छोटे कोट्स हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर RTI के दायरे में हर चीज़ क्यों नहीं आनी चाहिए, तो ये छोटे छोटे कोट्स हैं ना जो इन्होंने दो कारण दिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लिख देंगे तो काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगली खबर यह है कि अटॉर्नी जनरल सीक्स रिकॉल ऑफ वर्डिक्ट बैकिंग लोढ़ा रिपोर्ट, यानी कि लोढ़ा समिति की
जो रिपोर्ट है तो उसका समर्थन देने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन यानी वर्डिक्ट यानी निर्णय था, तो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि उस निर्णय को, उस वर्डिक्ट को आप वापस लीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दरअसल पे उन्होंने कहा कि लोढ़ा कमेटी के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि लोढ़ा कमेटी इसलिए गठित की गई थी ताकि आईपीएल मैच में जो फिक्सिंग हुई थी तो उसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन ये तो कुछ आगे ही बढ़ गई। उन्होंने अब क्रिकेट के सुधार की ही बात कर दी और क्रिकेट के सुधार के लिए नए नए कानून नियम बनाने लगे, जबकि उनका काम ये था ही नहीं। तो इस तरीके से जो लोढ़ा कमेटी का जुरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार है, तो वो उसके पार जाके काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों, एक उन्होंने जो आर्टिकल है तो उसका मैं आपको सारांश बता देता हूँ। मुख्य रूप से मुद्दा क्या था? मुद्दा ये हुआ था कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में जितने भी राज्य हैं तो उन सभी राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन का एक एक वोट होगा। और अभी तक जो है, तो अभी तक आप जानते हैं कि जो बड़े क्रिकेट एसोसिएशन हैं, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और बीसीसीआई जो कि इन सारे क्रिकेट एसोसिएशन को पैसा देती है, तो सारा का जो मेनली पैसा होता है वो इन्हीं बड़े बड़े एसोसिएशन के पास चला जाता है। तो जो छोटे एसोसिएशन हैं उनको पैसा ही नहीं मिलता। जब पैसा नहीं मिलता तो उनके यहाँ क्रिकेट में कोई सुधार नहीं आ पाता है। तो यही बात उन राज्यों ने उठाई थी कि ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो ऐसा ना हो। तो लोढ़ा समिति ने यही कहा था कि अब हर राज्य का एक वोट होगा। तो जब हर राज्य का एक वोट होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सभी राज्यों के पास बराबर अधिकार होंगे, तो उनको पैसा भी बराबर मिलेगा। और हर मामले में जो कार्रवाई होती है, तो जहाँ पहले बड़े क्रिकेट एसोसिएशन की चलती थी, तो अब वहाँ पे छोटे क्रिकेट एसोसिएशन भी जो हैं तो वो ताकतवर हो पाएंगे। तो लेकिन ये क्या था कि सरकार जो है, जो बीसीसीआई है, तो खुद भी नहीं चाहती, और ऊपर से बीसीसीआई में सारे लोग सरकार के और विपक्ष के सारे भरे पड़े हैं। तो जो संसद के लोग हैं, दुनिया भर के सांसद राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, ये सब जो हैं, तो ये चाहते हैं कि बीसीसीआई में कोई सुधार नहीं होना चाहिए, जो पहले जैसा था वैसे ही रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वो पूरी तरह के लोढ़ा कमेटी के खिलाफ हैं। तो उन्होंने क्या दलील दी रोहतगी साहब ने? रोहतगी साहब ने ये कहा कि पहले रेलवे के, आर्म्ड फोर्सेस यानी सेना के और भारतीय यूनिवर्सिटियों के भी वोट होते थे। अगर आप एक राज्य का एक वोट का दर्जा दे देंगे तो इससे क्या होगा? इससे इन सारे जो एसोसिएशन के, रेलवे एसोसिएशन, आर्म्ड फोर्स एसोसिएशन, इनके वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिकेट को प्रमोशन मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने की नो जुरिसडिक्शन की, जो बीसीसीआई की मतलब लोढ़ा कमेटी जो है, तो उसका क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि वो इस तरीके से बीसीसीआई में सुधार करे। ये तो कार्यपालिका का, सरकार का और संसद का काम है, तो आप इसमें क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? तो दुनिया भर की दलीलें हो रही हैं, लेकिन जब कोई बड़ा निर्णय आएगा तो देखा जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये है कि इंडिया स्टेप्स अप सबमरीन इंडक्शन एज चाइनीज प्रेजेंस ग्रोज इन रीजन, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए भारतीय नेवी ने यह तय किया है कि वो कुछ नई सबमरीन को यानी कुछ नई पनडुब्बियों को पानी में उतारेगी, यानी इंडक्शन का मतलब होता है शामिल करेगी। तो अपने वो बेड़े पे कुछ नई पनडुब्बियों को शामिल करेगी। तो दोस्तों ये कहा गया है कि वो इस साल के अंत तक दो नई स्कॉर्पिन पनडुब्बियों को शामिल करेगी जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबमरीन भी आजकल दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है डीजल इलेक्ट्रिक, यानी कि जो डीजल से और जो उससे विद्युत उत्पन्न होती है वो उससे चलती है। दूसरी जो सबमरीन दोस्तों होती है वो ये होती है, वो न्यूक्लियर होती है। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि नाभिकीय रिएक्टर लगा है कल्पकम में, नरोरा में, रावतभाटा में, ये सब, तो इनसे बिजली बनती है। ठीक, तो ठीक ऐसा ही एक नाभिकीय रिएक्टर लगाया जाता है उस पनडुब्बी के अंदर, तो उसको फिर बाहर से डीजल इत्यादि की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो उसके अंदर एक नाभिकीय रिएक्टर लगा होता है और उसी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पनडुब्बी उसी से चलती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन, यानी कि नाभिकीय पनडुब्बी। तो भारत में जो नाभिकीय पनडुब्बी है तो उसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा कि वो कौन सी है, लेकिन जो स्कॉर्पिन सबमरीने हैं तो वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीने हैं। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। पिछले साल आ गया था INS अष्टधारिणी, तो गलती से कई सारे लोगों ने लगा दिया था कि वो न्यूक्लियर वाली पनडुब्बी है, जबकि ऐसा नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे चल के मानसून के बाद, यानी कि इसी साल मानसून के बाद जो नई पनडुब्बी उतारी जाएगी, तो स्कॉर्पिन श्रेणी की वो तीसरी पनडुब्बी होगी और उसका नाम होगा वेला। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो पनडुब्बियाँ पहले उतारी जा चुकी हैं, एक का नाम कलवरी था, दूसरे का नाम खंडेरी है। अब तीसरी जो आएगी उसका नाम होगा वेला। तो दोस्तों ये सारे नाम आप याद रखिएगा, ये सब आ सकते हैं। अगली खबर ये है कि कैश फ्लो सिचुएशन इम्प्रूविंग फास्ट, पटेल। तो उर्जित पटेल जी ने कहा है कि जो नकदी का प्रवाह है तो उसकी
जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो तेज़ी से सुधर रही है, यानी कि नकदी प्रवाह की स्थिति तेज़ी से सुधर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पीएसी होती है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी अर्थात लोक लेखा समिति, तो वो लगातार उर्जित पटेल जी को बुला करके उनसे सवाल जवाब कर रही है और उर्जित पटेल जी हर चीज़ का उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो उसी सवाल जवाब के दौरान ये एक और जवाब उन्होंने दिया। अगली खबर ये है कि ट्रंप शुड गो आफ्टर टेररिज्म इन पाकिस्तान, करजई। तो करजई साहब जो कि पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि जो नए राष्ट्रपति आए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो है क्या कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में आतंकवाद से ऐसा संबंध है कि पाकिस्तान में दो मुख्य रूप से संगठन है, एक का नाम है लश्कर ए तैयबा और दूसरे का नाम है हक्कानी नेटवर्क। और हक्कानी नेटवर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ वही करता है। तो दोस्तों ISI ने इन दोनों संगठनों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, उनको पैसे देता है, हथियार देता है और वो जा करके क्या करते हैं, अफगानिस्तान में अटैक करते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? तो दोस्तों बहुत पहले आपको पता होगा कि जब 1989 में जब अफगानिस्तान में रूस की फ़ौजों को पाकिस्तान के द्वारा भगाया था अमेरिका ने, यानी कि पाकिस्तान की सेना से उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तालिबानों को खड़ा करवाया। तालिबान को खड़ा करने के बाद क्या हुआ कि तालिबानों को भेज दिया गया रूस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, और उसके बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें क्या हुआ कि उस समय रूस के अंदर आंतरिक समस्याएं चल रही थी, इसलिए रूस वो झगड़ा आगे ना बढ़ा करके वहाँ से पीछे हट गया। लेकिन जब वो वहाँ से पीछे हटा तो क्या हुआ, तालिबानों ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में और तालिबानी सरकार आ गई। तो दोस्तों तभी से पाकिस्तान को ये लग रहा था कि चूंकि तालिबान को तो हमने पैदा किया, हमने ट्रेनिंग दी, हमने सब कुछ किया, तो ये हमारे हिसाब से चलने चाहिए। और जब तालिबान की सरकार वहाँ पर 2001 में ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान ये कोशिश करने लगा कि ऐसा मुझे हमें करना चाहिए कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से हमें ही नियंत्रित करना चाहिए। तो अब ये जो अफगानिस्तान को नियंत्रित करने को लेकर के पाकिस्तान ने नीति अपनाई थी, तो वो आगे चल के फेल होने लगी। तो इन्होंने फिर टेररिज्म का सहारा लिया कि अगर अफगानिस्तान हमारी नीतियों के हिसाब से नहीं चलेगा तो हम ऐसा टेरर फैलाएंगे वहाँ पे, ऐसा आतंकवाद फैलाएंगे कि वो मजबूर हो जाएगा और वहाँ पे धीरे धीरे हम तालिबानी शासन फिर से ला देंगे और वो हमारी नीतियों के हिसाब से काम करेंगे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी है अफगानिस्तान पे, तो आपको ये जानना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि वो कुछ दिया नहीं था यहाँ पे। अगली खबर ये है कि स्टॉप प्रोटेस्ट एमिगेटिव्स तमिल्स इन ओमान, यानी कि ओमान में रहने वाले तमिलियों को विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आप आंदोलन बंद कीजिए। तो जल्लीकट्टू को लेकर के जो ओमान में रहने वाले तमिल लोग हैं वो भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई ऐसा वहाँ पे मत करो, ये उचित नहीं है। अब ओमान के बारे में बाकी तो कुछ भी नहीं है, ओमान के बारे में आपको बता दूं कि ओमान जो है तो खाड़ी देश का इलाका है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने हारमुज की जल संधि के बारे में सुना होगा, तो ओमान का जो इलाका है तो जहाँ पे ठीक हारमुज की जल संधि बनी हुई है, तो ओमान का एक छोटा सा इलाका वहाँ पे भी है। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो इलाका UAE से लगा हुआ है आखिर वो ओमान का कैसे हो गया। ठीक ऐसे ही कई तीन चार इलाके मैं आपको बता देता हूँ। रूस का एक इलाका है जो कि रूस की सीमा से हट करके है, आप देखेंगे कहाँ पे है, वो है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में, उसका नाम है कालिनिनग्राद, तो आप वो भी देखिएगा। तीसरा एक इलाका है अजरबैजान का, कि जो अजरबैजान का इलाका है लेकिन उसकी मुख्य भूमि से यानी कि उसके मेन लैंड से अलग है, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि अमेरिका में है तो अमेरिका का अलास्का, अलास्का जो है तो उसकी मुख्य भूमि से अलग है लेकिन अमेरिका का ही हिस्सा है। ऐसे ही दोस्तों अंगोला जो एक देश है अफ्रीका में, तो उसका एक हिस्सा है केबिंडा, तो केबिंडा भी जो है तो अंगोला की मुख्य भूमि से अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे इलाके जो कि उपस्थित तो महाद्वीप में ही हैं लेकिन वो अपने देश की मुख्य भूमि से अलग हैं, कटे हुए हैं। तो मैं द्वीपों की बात नहीं कर रहा कि जैसे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, तो ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब कि द्वीप तो बहुत सारे देशों के पास कई सारे हैं, महाद्वीप में ही अगर किसी देश के पास दो स्थान अलग अलग हों, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो आधा पाकिस्तान इधर था और आधा पाकिस्तान उधर था। आपको पता होगा 71 के पहले आधा पाकिस्तान इधर आधा पाकिस्तान उधर, यानी कि देश की जो सीमाएं दोनों एक ही महाद्वीप में स्थित हैं लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्र में होने के बावजूद भी वो सीमाएं उनकी एकदम अलग अलग हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो ऐसे ही कई देशों के कुछ भाग हैं जो कि अलग अलग हैं। इसी तरीके से आपको बता दूँ कि जो जिब्राल्टर इलाका है, जो जिब्राल्टर जनसंधि पर इलाका है, तो दरअसल पे वो मोरक्को और स्पेन के बीच में है लेकिन वहाँ का जो पूरा भू क्षेत्र है तो किसके कब्जे में है, वो ब्रिटेन के कब्जे में है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी।
तो दोस्तों वर्ल्ड पेज में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि द एरा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बिगिंस इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का युग शुरू हो गया है। तो दोस्तों बाकी सब छोड़िए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एजेंडे में सबसे ऊपर हैं वो क्या होंगी। तो दोस्तों जब भी डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में आपसे कुछ पूछा जाए तो यही जो मैं 4-5 चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, ये आप बता दीजिए, सबसे तकनीकी चीज़ यही है, बाकी चीज़ आपसे कोई पूछेगा नहीं। बाकी नीचे जो पूरा आर्टिकल है वो बकवास दिया हुआ है। तो उनकी व्यापार संबंधी क्या पॉलिसीज होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP है, जो कि 11 देशों के साथ साइन किया गया था, तो उनका ये कहना है कि हम इस TPP को अब आगे चल के समाप्त कर देंगे और इसके स्थान पे वो सारे जो 11 देश हैं उनसे द्विपक्षीय संधि यानी कि बाईलेटरल टाइस करेंगे। तो ये उनकी ट्रेड संबंधी, यानी कि हो सकता है कि चल के वो कुछ और चीज़ों को समाप्त कर दें। तो अभी तो महत्वपूर्ण ये है कि TPP शायद समाप्त हो जाए। दूसरा कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में वो क्या काम करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो शेल गैस है और जो कोयले की खुदाई है, तो इन सारी चीज़ों में अमेरिका ने कमी ला दी थी। उसकी क्या वजह थी कि अगर हम इनका ज़्यादा खुदाई करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैसे भी कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश अमेरिका ही रहा है पहले अभी तक। अब भले चीन हो गया, लेकिन चीन तो अभी हुआ, पिछले 50-70 साल से तो अमेरिका ही कर रहा था। तो हुआ ये था कि इस वजह से अमेरिका इस बात पे माना था कि हम आगे चल के अपने कोयले और शेल गैस इत्यादि के उत्पादन को कम करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का उल्टा कहना, उन्होंने कहा कि चूंकि माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा जॉब मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं लोगों को, इसलिए हम आगे चल के कोयले और शेल गैस की खुदाई जारी रखेंगे। अब जब खुदाई करेंगे तो भाई उपयोग भी करेंगे, तो यानी कि अमेरिका शायद जो पेरिस की पैक्ट हुई थी, जो COP21 हुआ था, उससे शायद पीछे हट जाए। दूसरी बात ये कि ओबामा ने 2015 में क्लीन पावर यानी कि जो ग्रीन एनर्जी होती है, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि के लिए जो उन्होंने प्लान बनाए थे, तो वो हो सकता है कि ट्रंप साहब उन प्लान्स को समाप्त कर दें। दोस्तों डिफेंस में यानी कि रक्षा के संबंध में इनकी क्या महत्वपूर्ण नीतियाँ होंगी, तो दोस्तों आज की तारीख में जो सबसे महत्वपूर्ण नीति होनी चाहिए किसी भी देश की, वो है साइबर अटैक से बचना, वो भी इनकी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि वो जॉइंट चीफ से, जो पेंटागन के चेयरमैन और जॉइंट चीफ से मिलेंगे, और उसके बाद वो इस बात को तय करेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि एक समग्र योजना बनाई जाए, ताकि एक ऐसी अवसंरचना, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए ताकि किसी भी तरीके का साइबर अटैक उनके ऊपर हो तो वो उससे बच सकें। अगली खबर यह है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि वो इथिकल रिफॉर्म यानी कि नीति शास्त्री अर्थात नैतिक सुधार कौन से करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो सारे सरकारी अधिकारी जो कि लॉबिंग करेंगे अर्थात सिफारिश करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, यानी कि जो कंपनियों की सिफारिश नेताओं से की जाती है, बाकी लोगों की सिफारिश नेताओं से की जाती है, जुगाड़ लगाए जाते हैं, तो जो कोई भी सरकारी अधिकारी जुगाड़ लगाएगा तो उसको उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और अगर कोई किसी विदेशी सरकार के पक्ष में आकर के उसकी लॉबिंग, उसका जुगाड़ मेंटल सेट करने की कोशिश या उसकी सिफारिश करेगा, तो उसके ऊपर लाइफ टाइम के लिए यानी कि हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि काफ़ी अरसे से सारे देश, दुनिया भर के देश अपने अपने काम साधने के लिए अमेरिका में लॉबिंग करवाते रहे हैं, और अब जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर वो लॉबिंग नहीं कर पाएंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हुई, कई सारे देशों की विदेश नीतियों पर बड़ा असर पड़ेगा इसका। इसके अलावा उनका ये कहना है कि टर्म लिमिट फॉर मेंबर ऑफ द US कांग्रेस। तो दोस्तों जो US का निचला सदन होता है उसे बोलते हैं US कांग्रेस, और जो उच्च सदन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे सीनेट बोलते हैं। तो उनका कहना है कि जो US कांग्रेस या निचला सदन होगा, तो वहाँ पे अधिकतम कितनी बार कोई चुन करके आ सकता है, तो उस पर वो हो सकता है कि कोई सीमा लगाने का कानून ला दें। अगली खबर ये है रेगुलेशंस यानी कि विनियमन। दोस्तों रेगुलेशंस यानी कि विनियमन अर्थात कि दुनिया भर के नियम कायदे अर्थात कि जो अवरोध लगाए जाते हैं, तो ट्रंप साहब ने ये कहा है कि अगर किसी भी विषय में, किसी भी संदर्भ में कोई एक नया रेगुलेशन, कोई एक नया नियम लाया जाएगा, तो उसके पहले उसमें जो दो नियम होंगे, दो पुराने नियम होंगे, चाहे वो दो कोई भी पुराने नियम रहे हों, उनको हटाया जाएगा। तो ऐसा उनका क्या कहना, उनका ये कहना है कि चूंकि पहले से ही इतने सारे रेगुलेशंस हैं कि अगर आप नए रेगुलेशंस लाते हैं तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं और जो बाकी लोग हैं उन पे इतने सारे नियम कानून लगा दिए जाते हैं कि उनका व्यापार धंधा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जी ने पहले ही ये कहा था कि हम 70% रेगुलेशंस को ख़त्म कर देंगे। हालांकि जो रेगुलेशंस होते हैं तो कई सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करते हैं, क्योंकि इससे सरकार का काफ़ी ज़्यादा कठोर नियंत्रण आ जाता है कई चीज़ों में। अगला ये है कि आप्रवासन के संबंध में यानी इमिग्रेशन के संबंध में उनकी क्या नीतियाँ होंगी। तो पहली बात तो उन्होंने कहा है कि लॉन्च प्रोब इनटू वीज़ा अब्यूज़, यानी कि जो कोई भी वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ़ जांच पड़ताल की जाएगी।
लेकिन अगली खबर यह है कि मेक्सिको के साथ जो अमेरिका की सीमा लगती है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी दीवार बनाने की कवायद की थी, यानी कहा था कि हम उसको दीवार को बनाएंगे। लेकिन अगर वो दीवार बन जाएगी तो मेक्सिको से आने वाले जो लाखों अप्रवासी हैं वो वहाँ से नहीं आ पाएंगे। तो इस बात पर ट्रंप जी ने भी चुप्पी साधी हुई है। तो हालांकि उन्होंने तो कहा है कि हम दीवार ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अब देखिए वो बनती है कि नहीं बनती है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में जो कुछ भी बात हो सकती थी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में कुछ भी जानना हो तो आप यही जो मैंने हाई ऑन एजेंडा आपको बताए, यही जो 6 विषय मैंने आपको बताए, इनको बार बार आप पढ़ते रहिएगा, आपको डोनाल्ड ट्रंप की हर पॉलिसी समझ में आ जाएगी। बाकी इतने बड़े बड़े जो आर्टिकल लिखे हैं ये बकवास हैं, इनको पढ़ने से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, तो अखबार में छपती हैं क्योंकि अखबार सिर्फ आपके लिए नहीं होता, यूपीएससी छात्रों के लिए नहीं होता, बहुत से बुद्धिजीवी लोग इस अखबार को पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े प्रोफेसर, तो उनके लिए भी अखबार होता है। तो जो बाकी खबरें हैं तो उनके लिए होती हैं, आपके लिए नहीं होती हैं कि आप उसको पढ़ें, अपना टाइम बर्बाद करें। अगली खबर यह है कि IS रेक्स हैवोक अगेन इन सीरिया पलमायरा। तो दोस्तों पहली बात तो हैवक मतलब क्या होता है, तो हैवक मतलब होता है कि विनाश कर देना, बर्बादी कर देना। रेक्स मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, उसका ही मतलब तबाही कर देना ही होता है। तो उनका ये कहना है, मतलब एक खबर ये आई है कि जो सीरिया का स्थान है पलमायरा, तो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट ने फिर से बर्बादी करके तबाही मचाई है। तो हुआ क्या है दोस्तों, क्या आपको पता होगा कि पलमायरा बहुत पुराना शहर है और ये रोमन एम्पायर जब हुआ करता था, रोमन साम्राज्य, तो उसका एक हिस्सा हुआ करता था। और आज की तारीख में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। लेकिन IS ने जब से कब्जा किया था पलमायरा में, तो उन्होंने पहले बहुत कुछ उड़ा दिया था इस इलाके को, बाकी जो बचा खुचा है उसको भी उड़ाने वाले हैं, अभी उड़ा दिया बहुत कुछ। तो बाकी आपको दोस्तों ये जानना है कि भारत में ऐसी कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको जरूर देखिएगा कला और संस्कृति वाली किताब में। अगला खबर यह है कि अल्टीमेटम टू डिफीटेड गाम्बियन प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था कि जो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं यहया जम्मे साहब, तो चुनाव तो हार गए लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो हुआ ये था कि मजबूरी में आकर के वहाँ की जो संसद थी गाम्बिया की, तो गाम्बिया की संसद ने क्या किया कि बोले कि भाई अब हट तो रहे नहीं हैं, तो इनका 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। लेकिन इससे ये हुआ कि भाई क्या 3 महीने बाद ये फिर से हटने को तैयार हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। उल्टे ये क्या करेंगे कि एक ऐसा सैन्य रूप से सशक्त सत्ता का निर्माण करेंगे कि आगे चल के इनको कोई हटा ही ना सके। तो इस बात के लोग लेकर के कई सारे देश जो थे तो वो इनके पास आए थे, जैसे कि आसपास के जो देश हैं, गिनी है और उसके अलावा मॉरिटेनिया है और नाइजीरिया है, तो यहाँ के राष्ट्रपति आया कि इनको समझा रहे थे कि भाई देखो अब तुम छोड़ दो। और उन्होंने अब ये कहा है कि अब अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो अफ्रीका की जो संयुक्त सेना, यानी कि अफ्रीका के सभी देशों की जो संयुक्त सेना है, तो वो जा करके डंडा मार करके आपको वहाँ से भगा देगी, तो ये बेहतर आपके लिए होगा कि आप इज्जत के साथ अब छोड़ दो। तो दोस्तों ये बात तो एकदम साफ हो गई है कि अब यहया जामिया साहब को जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। अगर वो नहीं जाते हैं तो संयुक्त सेनाएं घुसेंगी और उनको लात मार के वहाँ से भगा देंगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि ड्राफ्ट स्टील पॉलिसी टू इनेबल 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए, करवाने के लिए एक स्टील पॉलिसी, स्टील नीति का मसौदा तैयार किया जाए। तो ये किसका कहना है, ये कहना है स्टील मंत्रालय का। तो दोस्तों जो पहला पैराग्राफ है तो अंडरलाइन किया हुआ है, उसका ये मतलब होता है कि स्टील मंत्रालय ने एक ऐसे प्रपोजल, एक ऐसे प्रस्ताव को सामने ला करके रखा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब हम जो नए अपने स्टील प्लांट बनाएंगे तो वहाँ पर, वो कहाँ पर होंगे, वो कोस्ट लाइन में यानी कि तटीय स्थानों पे होंगे। उसका क्या महत्व है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टील बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो लोहे के अलग अयस्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है कोक, यानी कि कोयले का एक विशेष रूप। कोक भारत में बहुत कम पाया जाता है, तो उसको कहाँ से मंगाया जाता है, विदेशों से। तो दोस्तों जब कोई भी स्टील प्लांट जब देश के बहुत अंदरूनी इलाकों में मौजूद होता है, तो जो कोक आता है जहाज़ से आता है, फिर जहाज़ से उन अंदरूनी इलाकों में जाता है, फिर वहाँ पे स्टील बनता है, फिर स्टील बन के उसको एक्सपोर्ट अगर होना है तो वो स्टील फिर से उन कोस्टल इलाकों में, बंदरगाहों में जाता है और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो उनका ये कहना है कि इस परिवहन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल इलाकों में ही सारे स्टील, नए स्टील प्लांट लगा दिए जाएँ, और उसके बाद और साथ ही साथ जो पहले से वहाँ पर स्टील प्लांट कोस्टल इलाकों में लगे हैं उनका उत्पादन बढ़ा दिया जाए, जिससे कि ये होगा कि जो कोक मंगाया जाएगा तो वहीं पर सीधे बंदरगाह से उतार करके उसका उपयोग किया जाएगा स्टील प्लांटों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्टील वहाँ पर बनेगा तो उस स्टील को सीधे वहीं पे बंदरगाह पे ले जा करके एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो जो परिवहन के लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत आती है वो सारी की सारी बच जाएगी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो ये कहा गया है कि ये पहली बात तो उन्होंने कही ही, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि 2030-31 तक
हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है उसे हम बढ़ा करके 300 मिलियन टन कर लें। तो दोस्तों अभी कितना है, अभी है केवल 120 मिलियन टन, और इनका ये कहना है कि आगे चल के हम इसको 300 मिलियन टन करना चाहते हैं। और अभी देश में 25 लाख लोगों को स्टील क्षेत्र में, स्टील सेक्टर में रोज़गार मिला हुआ है, और जब 300 मिलियन टन उत्पन्न करने लगेंगे, यानी कि अभी के उत्पादन से 2.5 गुना उत्पन्न करने लगेंगे ज़्यादा, तब क्या होगा, तब ये जो रोज़गार हैं इनकी संख्या भी आगे चल के बढ़ेगी। हालांकि मशीनीकरण बहुत ज़्यादा ना कर दिया जाए, नहीं तो रोज़गार की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी, फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में तो बढ़ेगी ही। तो उसके पीछे जो कुछ मैंने आपको बताया, तो जो एक मसौदा तैयार किया जाएगा, तो उस मसौदे में कौन से दो प्रमुख दृष्टिकोण होंगे, उन दृष्टिकोणों के संबंध में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेंस में स्टील पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछता है तो ये दोनों दृष्टिकोण लिख दीजिए तो बहुत अच्छा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली बात क्या है, पहला विज़न ये है कि क्रिएट अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टील इंडस्ट्री दैट प्रमोट इंटरसेक्टोरल ग्रोथ, यानी कि एक ऐसी वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी स्टील इंडस्ट्री यानी स्टील उद्योग का निर्माण करना जो कि इंटरसेक्टोरल ग्रोथ, अर्थात कि दो सेक्टर, मतलब कि जो कई सारे सेक्टर्स होते हैं उनके बीच के संबंधों को बढ़ावा दे। तो वो क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी जो विज़न है वो ये है टू क्रिएट अ सेल्फ सफिशिएंट स्टील इंडस्ट्री दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ग्लोबली कम्पिटिटिव एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, और साथ ही साथ एक ऐसी आत्मनिर्भर स्टील इंडस्ट्री का निर्माण करना जो तकनीकी रूप से एडवांस हो, यानी कि अग्रगामी हो, ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, अर्थात कि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो, अर्थात दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियाँ हैं उनको टक्कर देने वाली हो, और तीसरी प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास को बढ़ाने वाली हो। तो दोस्तों जो दो शब्द आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला इंटरसेक्टोरल ग्रोथ, दूसरा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरसेक्टोरल ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों कि आपको पता होगा कि इकोनॉमी में तीन क्षेत्रक होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको बता दूं कि जो खनन का काम होता है ना, जिसमें कि माइनिंग की जाती है, तो खनन का काम प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और जो स्टील बनता है जहाँ पर उद्योगों में, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और उसके अलावा जो स्टील का पूरा व्यापार होता है, तो वो सारा का सारा व्यापार किस में आता है, उसका जो परिवहन होता है वो सारा परिवहन किस में आता है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो इंटरसेक्टोरल ग्रोथ यानी कि अंतर क्षेत्रीय जो विकास है उसका यही मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर स्टील इंडस्ट्री विकास करेंगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ द्वितीय क्षेत्र का ग्रोथ होगा, द्वितीय क्षेत्र का विकास होगा। जैसा कि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो स्टील इंडस्ट्री है तो ये तो उद्योग है, तो द्वितीय क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहिए, तो उसी का ग्रोथ होना चाहिए। आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्रक भी, क्योंकि खनन उसमें है तो उसका भी विकास होगा, द्वितीय क्षेत्रक क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग उसमें है तो उसका भी विकास होगा, और तृतीय क्षेत्रक क्योंकि स्टील का सारा व्यापार और परिवहन सेवा क्षेत्र में आता है तो उसका भी विकास होगा। इसे कहते हैं इंटरसेक्टोरल ग्रोथ। तो ये सब कुछ लिखा नहीं है लेकिन मुझे लगा कि आपको बता दूं, जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी देश के हर वर्ग के, हर तबके के, हर लिंग के, हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा के बोलने वाले के, हर व्यक्ति को अगर लेकर के विकास किया जाए तो उसे कहते हैं समावेशी विकास। आमतौर पर देखा जाता है कि समावेशी विकास को अगर आर्थिक तौर पर देखें तो अमीर का विकास अलग है और गरीब का विकास अलग है। तो यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होगा कि ऐसी ग्रोथ जिसमें कि अमीर का भी विकास हो और गरीब का भी विकास हो, उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास। तो उनका ये कहना है कि हम एक ऐसा मसौदा भी लाना चाहते हैं जिसमें कि इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। दोस्तों अगली खबर ये है कि सेंटर शिफ्ट डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस टू न्यू डिपार्टमेंट, यानी कि अब विनिवेश की जो सिफारिशें हैं, जो सलाहें हैं, तो उसका जो डिपार्टमेंट है बदल दिया गया है। ये क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम अभी भी है, मतलब उसका नाम है दीपम, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी कि ये जो दीपम डिपार्टमेंट है दोस्तों, तो इसका काम ही क्या था, इसका काम ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियों का विनिवेश करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके जो कोई भी पैसा प्राप्त होता है तो उस सारे पैसे का किस तरीके से उपयोग किया जाए, या कि किस कंपनी का किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, इन सारी चीज़ों की पहले जानकारी कौन देता था, इसकी सलाह कौन देता था, दीपम देता था। लेकिन अब सरकार का कहना है अब दीपम वो काम नहीं करेगा, अब वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों का जो विभाग है, जिसके कि प्रमुख जो सचिव हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास, आपने नाम सुना होगा। तो शक्तिकांत दास का जो विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अब आगे चल के वो जो सारा पैसा प्राप्त होगा विनिवेश से उसका कहाँ उपयोग किया जाए, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बताएगा। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि सेंटर हैड क्रिएटेड नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इन 2005 इन विच द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंटर। तो ये उन्होंने कहा था कि CPSE क्या होता है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों जो
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी कि जो केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं, जैसे कि सेल है, एनटीपीसी है, भेल है, बीईएमएल है, दुनिया भर के जो हैं जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, तो इन सारे उपक्रमों का जब विनिवेश किया जाएगा तो उनसे जो पैसा प्राप्त होगा, तो प्रोसीड शब्द का मतलब होता है विनिवेश से प्राप्त पैसा, तो उन सारे प्रोसीड्स को, उन सारे पैसों को किस तरीके से उपयोग किया जाए उसके लिए एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया था, जिसका काम क्या था, जिसका काम ये था कि उस प्राप्त पैसे को चैनलाइज करना यानी कि सही उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए संस्तुति देना था। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि यूएस शुड कंटिन्यू टू रेज रेट्स। तो महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों कि जैसे हमारा आरबीआई है, तो वैसे ही यूएस में जो है उसे कहते हैं फेडरल रिजर्व। तो आपको बता दूं कि जब किसी भी देश में रेट्स बढ़ाई जाती हैं, दरें बढ़ाई जाती हैं, तो क्या असर होता है। पहला असर जैसे कि भारत में होता है, अगर रेट बढ़ा दी जाए तो सारा का सारा जो मार्केट का लिक्विडिटी है यानी कि बाजार में जो सारा पैसा है, तो वो सारा खींच करके कहाँ पहुँच जाता है, आरबीआई। क्यों? रेट बढ़ाने से बैंकों को ज़्यादा कर्ज, मतलब ज़्यादा ब्याज मिलती है आरबीआई के द्वारा। तो बैंक ये सोचते हैं कि अपने किसी भी चीज़ को, अपने पैसे को वहाँ पे क्यों फंसाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी कि ब्याज लोन दो फिर एनपीए बन जाए, दुनिया भर का हो जाए। तो वो बेहतर ये समझते हैं कि अगर रिजर्व बैंक ब्याज दर बढ़ा रहा है तो आप अपना पैसा वहाँ पर डाल दो, जिससे कि क्या लाभ होगा कि आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो अच्छी रकम मिलेगी ही उसमें, ब्याज में। और उसमें कोई भी लफड़ा नहीं होता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि एनपीए हो जाएगा, वो सब लफड़ा वहाँ पर नहीं होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि यूएस ने भी ये किया है, तो पक्के तौर पे यूएस में क्या होगा कि वहाँ का जो रिज़र्व बैंक है, फेडरल रिज़र्व है, तो वो पैसा जो है मार्केट का खींच लेगा। अब दोस्तों ये तो भारत और यूएस में बराबर भाव होते हैं, लेकिन चूंकि यूएस की जो डॉलर है, यूएस डॉलर, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। अब भारत में अगर रेट बढ़ जाए तो उतना ज़्यादा असर अमेरिका को नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका में रेट बढ़ जाए तो भारत को बहुत असर पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि भारत में जो सारा का सारा डॉलर के रूप में विदेशी निवेश लगा हुआ है, खासकर एफआईआई और एफपीआई में, तो वो सारा का सारा निवेश ऐसा होगा कि दोस्तों जो निवेशक हैं तो यहाँ पे जो पैसा उन्होंने लगाया है तो वो सारा पैसा रिस्क में होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जिस कंपनी में पैसा लगा है वो फ़ायदा कमाएगी, वो घाटे में भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो जब रिज़र्व बैंक रेट्स बढ़ा देता है तो वो अपना पैसा कहाँ डालने लगते हैं, बैंकों में डालने लगते हैं यूएस की, और वो पैसा बैंकों से कहाँ चला जाता है, यूएस के फेडरल रिज़र्व में। तो होता क्या है दोस्तों, उनको ये लगता है कि यहाँ भारत में अपने पैसे को रिस्क में फंसाने से बेहतर है कि उसको यूएस के फेडरल रिज़र्व में डाल दिया जाए, ताकि वहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो हमें ब्याज प्राप्त होनी ही होनी है। तो दोस्तों ये भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर वहाँ पे लगातार ब्याज दरें बढ़ती रहें तो यहाँ से हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लोग निकाल करके फिर वहाँ यूएस के फेडरल रिजर्व में जमा कर दें। अगली खबर ये है कि चाइनाज जीडीपी ग्रोथ बीट्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि चीन की जो जीडीपी की वृद्धि है तो वो उनकी आशाओं से भी ज़्यादा हुई है, आशाओं से भी पार चली गई है। तो दोस्तों उसके बारे में मुझे तो नहीं लगा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि चीन संबंधित है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अगर भारत संबंध में होता तो मैं जरूर बताता। अगली खबर यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट पीएमजीकेवाई डिपॉजिट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पीएमजीकेवाई है, तो पीएमजीकेवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, और जो कोई भी काले धन को सफ़ेद करवाना चाहता है तो उसके जो काले धन का जो सफ़ेद करने में जुर्माना काटा जाएगा, वो सारा का सारा जुर्माना पीएमजीकेवाई योजना चलाने में लगाया जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि सहकारी बैंक हैं, तो वो पीएमजीकेवाई चलाने के लिए जो कोई भी योजनाएं आ रही हैं वो उनको नहीं चला पाएंगे, यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा पैसा नहीं जमा किया जाएगा जिसको कि आगे चल के पीएमजीकेवाई में लगाया जाए। उसके पीछे उन्होंने क्या कहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है तो वो उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो बस आपको ये महत्वपूर्ण बात बतानी थी, और कुछ नहीं था इसमें। अगली खबर दोस्तों ये है कि साइंटिस्ट सिमुलेट मार्स मिशन, यानी कि वैज्ञानिकों ने मार्स मिशन को सिमुलेट किया। तो सिमुलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी परिस्थिति आगे चल के आने वाली हो तो अगर हम उसी परिस्थिति के हिसाब से कोई ऐसा प्रयोग करने लगें जहाँ पे वैसी परिस्थिति बनाई जाएंगी जैसे कि आगे आएंगी, तो उसे कहते हैं सिमुलेशन। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि युद्ध लड़ने से पहले जो युद्धाभ्यास होते हैं, तो ठीक वैसे ही उनकी में स्थिति पैदा की जाती है जैसे कि युद्ध की में होगी, तो उसे वो सिमुलेशन कहते हैं, यानी कि युद्ध हो तो नहीं रहा है लेकिन परिस्थितियां वैसे ही पैदा की गई जैसे कि युद्ध में होंगी, ताकि लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए कि युद्ध होगा तो हमें कैसे काम करना है। तो दोस्तों ये है कि जब आगे चल के
इंसानों को मार्स पर भेजा जाएगा, मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा, तो जाहिर तौर पे अगर यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या उनको ऐसी आ जाएंगी कि जो कि वो झेल नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो यही वजह से उनको यूएस ने, अभी नासा ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि कुछ लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं डोम, इस डोम के अंदर 8 महीने के लिए भेज दिया गया है। अब वो 8 महीने तक इसी डोम में कैद रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं जो परिस्थितियाँ उनको मार्स में मंगल ग्रह तक जाने में उत्पन्न होंगी, तो इससे उनको उस चीज़ का अनुभव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो केंद्र है कहाँ पे बनाया गया है, ये हवाई में बनाया गया है दोस्तों। तो हवाई वही अमेरिका का द्वीप है जहाँ पर उसका पर्ल हार्बर भी है और उसका मौना लोवा नाम का ज्वालामुखी भी है, और होनोलुलु भी हवाई में ही है। एक बार एक सवाल आ गया था कि हवाई द्वीप समूह के किस द्वीप पर होनोलुलु स्थित है, तो ये आपको पता करना है कि किस द्वीप पर। हवाई द्वीप समूह में कई द्वीप हैं। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है आपको बता दूं कि जब मंगल से कोई भी मतलब कम्युनिकेशन किया जाता है, तो जब यहाँ से कोई सिग्नल भेजा जाता है मंगल, तो उसे पहुँचने में कितना वक्त लगता है? 20 मिनट लगता है दोस्तों। तो ये जो 20 मिनट होता है, यानी कि यहाँ से जब आप कोई बात भेजेंगे, तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन में कुछ भी बोलते हैं, तो सिग्नल तकरीबन 1 सेकंड के अंदर पहुँच जाता है इधर से उधर तक, 1 से 1.5 सेकंड में। लेकिन दोस्तों जब मंगल कोई भी सिग्नल भेजा जाता है तो कितना टाइम लेता है पहुंचने में? 20 मिनट लेता है। तो उसके पीछे क्या वजह है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई सूर्य से तो यहाँ पे प्रकाश पहुंच जाता है 8 मिनट में, और सिग्नल भी प्रकाश की रफ्तार से चलता है, और मंगल तो इतना दूर नहीं होगा। मंगल के बारे में मैं बता दूँ कि मंगल जो है तो मतलब हमारे अर्थ से, हमारे पृथ्वी से तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये जो 20 मिनट होता है, इसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो उपग्रह के द्वारा ट्रांसमिशन इत्यादि किया जाता है, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा ये है कि मंगल भी जो है, तो कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी जो है तो सूर्य के इस पार है, मंगल जो है तो सूर्य के उस पार है। यानी कि अगर दोनों कक्षाएँ देखेंगे तो पृथ्वी सूर्य की दाईं तरफ वाली कक्षा में, मंगल बाईं तरफ वाली कक्षा में, क्योंकि घूमने का दोनों का अलग अलग है ना समय। तो उस वजह से कई बार जो उनके बीच की अधिकतम दूरी होती है वो बढ़ करके सूर्य से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि दोनों के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो 20 मिनट लग सकता है। अगली खबर यह है कि दोस्तों एस्ट्रोनॉमर स्टडीज हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट, यानी कि बाहर स्थित रहने योग्य ग्रहों के बारे में कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अध्ययन किए थे, और एक ऐसा ग्रह जो कि यहाँ से 14 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहाँ पे वो जीवन की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। उसका नाम उन्होंने रखा है वुल्फ 1061c। इस ग्रह का नाम उन्होंने ये रखा हुआ है, और वो खोज कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई हैबिटेबल जोन, यानी कि क्या रहने योग्य कोई भी क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस मामले में ये बात है कि आपको पता होगा कि जो पृथ्वी की कक्षा होती है तो वो बहुत ही लंबे वक्त में थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों जब वो पृथ्वी की कक्षा बदलती है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर एक आइस एज, यानी कि एक हिमयुग आ जाता है, और फिर जो फिर से बदलती है तो हिमयुग चला जाता है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि उस ग्रह के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसकी जो कक्षा है, उसकी जो ऑर्बिट है, वो लगातार बदलती रहती है काफ़ी जल्दी जल्दी, इसलिए वहाँ पर बहुत तेज़ी से युगों में बदलाव आता होगा। यानी कि हो सकता है कि वहाँ पर हिमयुग आना और फिर हिमयुग के बीच का काल आना, ये सब बहुत तेज़ी से होता हो, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा क्योटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज के द हिंदू का पूरा हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपसे एक छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं डेली फेसबुक में इसकी लिंक नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि तो फेसबुक के हर ग्रुप में जाकर के लिंक डालने मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरे पास रोज़ाना इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ में वहाँ पर आकर के फेसबुक में लिंक डालूँ। तो दोस्तों आप लोग भी सब मेरे सहयोगी हैं, मेरे दोस्त ही हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप उसको देखते हैं, तो यहाँ से आप सीधे उस लिंक को अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिंक आप देखेंगे कि जो सामने एक ऑप्शन वाला उसमें बटन होता है, तो जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन आएगा, तो शेयर करके वो जो लिंक है तो आप कहीं पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे में ये मानना है कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप सोचते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों का और भला होना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये पहुँचना चाहिए, तो अगर मैं नहीं कर पाता हूँ कोई भी चीज़ फेसबुक पर पोस्ट, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस लिंक को आगे चल के पहुँचा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें। तो दोस्तों यही मेरी आपसे गुजारिश है, और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कई सारे मुद्दों को मैं जैसे समझाता हूँ तो आप उसको कई बार कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई आदमी इस चीज़ को ज़रूर लिख दिया करे कि
कि मैंने आज कौन कौन से मुद्दे आप लोगों को समझाए, तो जिससे कि बाकी लोग जो हैं जो अभी नया नया ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ये पता चल सके कि मैंने किस तारीख को कौन से मुद्दे सुलझाए थे। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देते हैं तो मैं उसको वीडियो के टाइटल या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, जिससे कि लोगों को वीडियो का टाइटल या डिस्क्रिप्शन देख करके ही पता चल जाएगा कि इस दिन के वीडियो में कौन कौन से मुद्दे कवर किए गए थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी है कमेंट सेक्शन में, जो महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे एक दिन मैंने बेस इफेक्ट बताया, एक दिन मैंने ETF बताया और मैं कई सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, जैसे आज मैंने डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिसीज़ बता दी, तो ये सारी चीज़ें आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, मैं उनको सीधे कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने वीडियो के टाइटल में पोस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी दूंगा। तो दोस्तों जो कोई भी नए व्यूअर्स हैं यहाँ पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 44 मिनट का हो गया, अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मेरा वीडियो है तो वो तकरीबन 40 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा वक्त जाता है तो मुझे बनाने में भी समय लगता है, आपको देखने में भी समय लगता है। तो इसी बात के साथ मैं आज का हिंदी अनुवाद पूरा समाप्त करना चाहूँगा और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभरात्रि, जय हिंद।